मैंने अपनी इस साड़ी को कैसे यूज़ किया चलिए बताती हूँ आपको। मैंने साड़ी को कैसे यूज़ किया, मैंने पल्लू से कुर्ती बनवाई और बाकी साड़ी से मैंने शरारा बनवाया। आप भी पुरानी साड़ी को इस तरह यूज कर सकते हो और मैंने ऊपर इलास्टिक लगवाया है। नेट की साड़ी थी और हाफ हाफ में थी और मैंने जॉर्जेट पल्लू था उसकी मैंने कुर्ती बनवा ली। साड़ी के पल्ले की मैंने इस तरह कुर्ती बनवा ली। ये फ्रंट पार्ट है, आप इस तरह से डिजाइन ले सकते हैं। देखिए पूरा लुक, नीचे से लगेगा नहीं कि शरारा है क्योंकि ऊपर से कुर्ती से पूरा कवर हो गया। तो मैंने अपनी पुरानी साड़ी को ऐसे यूज किया है, आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो शरारा की जगह स्कर्ट भी बनवा सकते हैं। मैंने लहंगे के ब्लाउज को कैसे यूज़ किया बताती हूँ आपको। ये मेरी प्लेन साड़ी, बस नीचे बॉर्डर और कुछ कुछ बुटियाँ हैं, तो मैंने इसमें लहंगे के ब्लाउज को यूज़ किया तो साड़ी का लुक काफ़ी हैवी हो गया। इस साड़ी के साथ ब्लाउज काफ़ी हल्का आया था तो मैंने लहंगे का ब्लाउज यूज़ किया। तो आप भी अपने लहंगे का ब्लाउज किसी भी साड़ी के साथ मैच कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है लहंगा, साड़ी, दुपट्टा सब एक जगह रख लीजिए अपने बेड पर, फिर आप उसे कैसे मैचिंग करनी है कर लीजिए। मैं ज़्यादातर लहंगे के ब्लाउज साड़ियों में काफ़ी यूज़ कर लेती हूँ और दुपट्टे भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने साड़ी का गाउन बनवाया, कॉटन सिल्क में है और जो लेस है वो मैंने नीचे भी यूज़ की और ऊपर बाजू में भी। आप भी इस तरह बनवा सकते हैं और कली में बनाने से थोड़ा शेप अच्छा आ जाता है बॉडी का। ये साड़ी भी मेरी यूजलेस थी तो मैंने इसे गाउन बनवा के यूज किया। इस साड़ी का मैंने लहंगा बनवाया, काफ़ी अच्छा बना लहंगा और मैंने इसे करवा चौथ पर वियर किया। आप भी इस तरह अपनी साड़ी का लहंगा बनवा सकते हो। ये भी मैंने साड़ी का लहंगा बनवा लिया, लेकिन साड़ी का जब भी लहंगा बनवाएं तो प्लीट्स में बनवाएं, गैदर्स में नहीं। प्लीट्स में लुक काफ़ी अच्छा आता है लहंगे का और गैदर्स में काफ़ी फ्लफी फ्लफी लगता है। और मैंने इसमें कैन कैन लगवाई है और एक जिप है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। और साड़ी में जो लेस थी कुछ बची हुई मैंने एक तरफ दुपट्टे में लगवा ली। मैं अभी पूरा आपको दिखाती हूँ। और ब्लाउज़ मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो साड़ी के साथ आया था। मैचिंग का दुपट्टा मैंने मार्केट से लिया और बची हुई लेस मैंने सिर्फ एक तरफ लगा ली। जब हम प्लीट्स बनाते हैं तो वो अंदर की तरफ आ जाता है। आप अपने लहंगे के ब्लाउज़ को भी यूज कर सकते हो। आप जॉर्जेट का कपड़ा लीजिए वाइट और डाई करवाइए
और प्लेन साड़ी पर कोई भी कलर डाई करवाइए और हैवी ब्लाउज पहनिए, काफ़ी अच्छा लुक देगा। लहंगे की चुन्नी को कैसे यूज किया जाए उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही आपसे शेयर करूंगी। आप साड़ी के ऊपर भी लहंगे की चुन्नी को वियर कर सकते हो। आप एक साड़ी को 2-3 बार पहन लेते हो, उसके बाद आप ब्लाउज को चेंज करके पहने तो साड़ी का लुक चेंज हो जाएगा। इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज आया था और कभी कभी मैं ये वाला वियर करती हूँ तो साड़ी का लुक चेंज हो जाता है। आप भी गोल्डन वर्क हो, सिल्वर वर्क हो, तो आप भी चेंज करके पहन सकते हो। मेरी बहू रानी का इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो कीजिए शेप ऑफ यू से, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको बहुत अच्छी रेंज की कुर्ती और सेट मिलेंगे, एक बार जरूर देखिए। थैंक यू।